देखिए, हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और मेरा मानना है कि कई बार ये लगता तो है कि इस तरह के बयानों पर टिप्पणी की जाए और ये इस देश के नागरिकों से ये अपील की जाए कि भाई आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति से आते हों, संप्रदाय से आते हों, लेकिन आपका एक मानवीय आधार तो होना चाहिए कि आप एक देश है जिसमें कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, सबको लेकर चलना है, उसमें अगर कोई भी इस तरह का बयान देता है तो पहली मेरे मन में जो प्रतिक्रिया आती है वो ये कि ऐसे लोगों पर क्या ही टिप्पणी की जाए। और कई बार हो सकता है कि वो भड़काने के लिए आपको अपने मूल मुद्दों से हटाने के लिए भी इस तरह के लोगों को लगा दिया गया है। सरकार से आप वो सवाल ना पूछ पाए जो शिक्षा, रोजगार के हैं, स्वास्थ्य के हैं, बुनियादी सुविधाओं के हैं, और इस तरह के बयान इतने हिंसक बयान दे दिए जाएंगे कि आपको कई बार लगता है कि इस पर फौरी टिप्पणी देनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कई बार इस चक्रव्यूह को देख करके बहुत सिहर जाता हूँ कि देश की बहुत बहुत आयत संख्या को इस तरह से कोई एक धर्म की तरफ से बोलेगा, दूसरा उसका काउंटर देगा और आप उसी में उलझे रहेंगे। और जिस वक्त हम शायद कोई अच्छी बहस कर सकते थे, उस बहस को हम चाकू, तलवार, बल्लम और लिंचिंग और इस पर, लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि कई बार इसकी मुखालफत करना भी ज़रूरी हो जाता है कि हम इस तरह के भारत में शामिल नहीं हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह, लोहिया और इवन गांधी के भारत में हैं जिसमें हम असहमतियों का भी सम्मान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को, इस देश के तमाम न्याय पसंद लोगों को या संस्थाओं को खासकर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी इस देश में एक स्वायत्त न्यायपालिका होगी जिसका एक अधिकार होता है स्वतः संज्ञान लेना, और वो संज्ञान लेगी कि कम से कम भारत की जमहूरियत को इस तरह से कमजोर ना किया जाए। इसी बयान के बाद मोहन भागवत का भी एक बयान आता है कि मुस्लिम कहीं नहीं जाएं देश छोड़ के, लेकिन वो अपने आप को सर्वे सर्वा ना समझे, मतलब अपने आप को पहले ना समझे। देखिए, अब पता नहीं, मैं जैसे मैं किसी साध्वी या उन लोगों के बारे में टिप्पणी करने पर सोचता हूँ कि मैं क्यों उन पर टिप्पणी करूँ, वो कौन लोग हैं, वैसे ही मुझे कई बार लगता है कि आरएसएस प्रमुख कौन है भाई जिसकी बयान पर हम लोग टिप्पणी करें। आरएसएस प्रमुख ठीक है, एक संगठन है, उनका संगठन है, उनके मन में एक आइडिया ऑफ इंडिया है जो भारत को एक खास किस्म के रंग में, एक रंग, एक विचार, एक भारत बनाने का ख्वाब देखता है, और वो तो दावा करता है कि वो गैर राजनीतिक संगठन है। उसका प्रमुख कुछ भी बोल सकता है, उनको आज़ादी है इस बात को बोलने में, लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई आप कौन हैं जो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भारत में कौन रह सकता है कौन नहीं। आप किस हक से ये बात कह रहे हैं? क्या भारत आपका है? क्या इस देश में संविधान खत्म हो गया है जो इजाजत देता है आपको भी कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं? उस संविधान में एक नागरिकता का पूरा पूरा अनुच्छेद बना हुआ है, नियम कानून बने हुए हैं, वो बताते हैं। संविधान अगर ठीक नहीं करेगा, संविधान को कोई तोड़ेगा, तो उसके लिए तमाम संस्थाएं बची हैं, ये उनका काम है। इसलिए आप कौन है हुजूर? आप भारत के किस हक से, किस पद से आप ये बयान दे रहे हैं? और आपकी बात कोई क्यों माने? मेरा संविधान मुझे कहता है कि मुझे अपना मजहब मानने का हक है, मुझे अपने मजहब को प्रसारित करने का हक है, मुझे मजहब ना मानने का हक है, ये मेरा संविधान मुझे देता है। और नागरिकता के हिसाब से मैं अगर रहूँगा, मैं उसके उसके नियम कायदों को फुलफिल करूँगा। अरे भाई, आरएसएस प्रमुख जी उस समय कहाँ थे जब इस देश में सीएनआरसी जैसा कानून बना, धर्म के आधार पर नागरिकता तय कर रहा था, देश में बहुत बड़ी आबादी के लोग सड़क पर उतर कर रहे थे ये नागरिकों को बांटो मत धर्म के आधार पर, तब आप कोई बयान नहीं थे। अब आप जैसे लग रहा है कि कोई विराट पुरुष हैं भाई, वो उनका देश है, वो कह रहे हैं अच्छा मेरे घर में तुम रह सकते हो लेकिन मेरी शर्तों पर ना होगा, ये मुझे लगता है बहुत आपत्तिजनक है। पर जिस तरह के सर बयान आ रहे हैं अभी, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गुजरात के अंदर पूर्ण बहुमत से और कहीं ज्यादा बहुमत से सरकार बनी, तुरंत अब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सड़कों पर लोग निकले, तो क्या सरकारों की सहमति है या इस बात का अंदेशा है कि अब सरकारें भी मान चुकी हैं कि जिस तरफ बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें सहयोग कर रही हैं सरकारें? निश्चित रूप से ये एक प्रश्न तो नागरिक के तौर पर आपके मन में उठेगा ही कि मान लीजिए एक देश है, लोकतांत्रिक देश है, कोई धर्म संसद करके कहे कि काटो मारो एक धर्म विशेष के लोगों को, मुसलमानों के खिलाफ बोले, कोई यति हो, कोई सती हो, कोई साध्वी हो, किसी भी तरह का बयान दे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो, जैसे एक संगठन आरएसएस, आरएसएस मुख्य संगठन है जो बड़ी प्यारी भाषा में
बहुत मर्यादित भाषा में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, और जो ये कहता है कि यह देश इस तरह का है, इस तरह का नहीं है, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें लगेंगी, विचार से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन वही आरएसएस कई ऐसे अपने मानस संगठन रखे हुए है, जब जरूरत पड़ती है तो कहता है ये मेरा नहीं है, काम उन्हीं का करता है। तो जितना गाँव में हम लोग की तरफ होता था ना, जो दबंग होता है, जो बहुत चालाक दबंग होता है, वो कभी किसी को मारने पीटने नहीं जाता है, वो दो चार आदमी रखे रहता है, और जब वो उसको मार पीट के कोई आता है तो वो कहता है अरे नहीं नहीं मारो नहीं, ये सब सबको रहने दो, बहुत अच्छे से रहता है, भाई साहब को रहने दो, दोनों काम हो गया। बजरंग दल कौन है, विश्व हिंदू परिषद कौन है, ये युवा वाहिनी कौन है, इतने तरह के धर्म के नाम पर संगठन, और वो हर दिन आए दिन कभी कोई भगवा संविधान बना करके दिल्ली में कहता है कि ये संविधान बदलना है, ये संविधान तो ठीक नहीं है, कोई कहता है अखंड भारत बनाएंगे, कोई कहता है कि हम जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुझे लगता है कि ये सब इस देश में किस दिशा में जा रहा है। अच्छा मान लीजिए मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ और मैं जानता हूँ कि नियम कानून कायदे से कोई चल रहा है, तो मैं तो नजर रखूंगा ना कि कोई संविधान जिसकी शपथ मैंने ली है उस संविधान के इतर कोई बात कर रहा है, तो मैं कदम उठाऊंगा कि यार मेरे नागरिकों को बांटो मत, मेरे देश में धर्म के नाम पर इस तरह की सांप्रदायिक नफरत न फैलाओ। अगर मैं खामोश हूँ तो मौनम स्वीकार लक्षणों में इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है कि हो सकता है आप चुपचाप ये सब चाहते हैं कि ये सब होता रहे, क्योंकि कई बार तो वो जो भीतर है वो बाहर निकल आता है कि कपड़ों से पहचानो कौन विरोध कर रहा है, कोई बड़े पद पर खड़ा हो कहता है इतनी जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग को करंट लगे, लगता है कि आप मन से चाहते हैं ये सब काम, आप चाहते हैं कि ये देश उसी दिशा में बढ़े। और अब भाई आरएसएस प्रमुख ने ही तो शायद ये बयान दिया कुछ दिन पहले कि हिंदुओं में एक उग्रता की भावना पैदा हो रही है, क्योंकि बहुत सालों से वो गुलाम थे। किसके गुलाम थे भाई, क्यों गुलाम थे, और आपके हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग गुलाम हैं, उनके अंदर तो कभी उग्रता की भावना उस तरह से आई नहीं। अम्बेडकर, फूले, पेरियार, भगत सिंह, राहुल सांकृत्यायन, लोहिया, कांशीराम, ये तो आपके धर्म और आपकी विचार के भीतर से उस तरह के सवालों को पैदा कर रहे थे कि भाई आप जिस धर्म को मानते हो उसमें सब बराबर नहीं है, मैं उस विचार का मानने वाला हूँ, इसलिए आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। बतौर नागरिक मेरी भी चिंता ये है कि 2023 में जब दुनिया किसी और दिशा में जा रही है, विज्ञान और तकनीक के विकास से मनुष्य का जीवन कितना सुविधाजनक आसान बने, लोगों में कितना कितना प्रेम और भाईचारा बढ़े, उस समय इस देश में गाय गोबर गौमूत्र नाली के गैस से चाय गणेश जी प्लास्टिक सर्जरी बादल से रडार काम नहीं करना महाभारत में ज्योतिष विज्ञान में सारा विज्ञान होते होते अब क्या इस देश में केवल एक चिंता बची हुई है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है, मैं तो बार बार ये पूछता हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मेरे पाठ्यक्रमों में कबीर लगे हुए हैं, कबीर कहते हैं कि अरे इन दोन रान पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, और पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, और काकर पाथर जोर की मस्जिद लई चिनाए ताचड़ मुल्ला बाग देखा भरा हुआ खुदाए। कबीर कहाँ गए, वो इस भारत के नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे। रैदास कहाँ गए, जस केलन के पात पात में पात पाथर पूजे हर मिले, और कह रहे हैं ऐसी दुनिया बावली पाथर पूजे जाए। मैं तो उस परंपरा को खोजता हूँ। बुद्ध कहाँ गए जो कहते थे मनुष्य मनुष्य बराबर है, फूले कहाँ गए, अब कहाँ आप ले जा रहे हो 2023 में भारत को ये धर्म का बनाना है। आप जैसे लोग अगर कोर्ट करके कोई चीज बताते हैं लोगों को तो उसमें भी भावनाएं आहत हो जाती हैं लोगों की। जैसे कल जो बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कुछ कोर्ट करके बता दिया रामचरितमानस से, तो उनको भी कहा जा रहा कि उन्होंने अपमान कर। देखिए भावनाएं और नाजुक उसी की होती हैं, या भावनाओं की कद्र भी उन्हीं की है। अगर आपका आप ताकतवर स्थिति में हैं, अगर आप कमजोर हैं तो ये ऐसी सामाजिक संरचना है कि अगर आप कमजोर हैं तो आपकी कोई भावना नहीं। आप भूख से मर जाएं, आप गरीबी में मर जाएं, आप किसान होकर के आत्महत्या कर लें, आप बेरोजगार होकर के यूपी बिहार में चलिए, नौजवान जिस उम्र में वो देश के लिए कुछ बेहतर कर सकते थे वो आत्महत्या कर रहे हैं, ये सब इस देश में हो रहा है। लेकिन चूंकि वो गरीब हैं, वो कमजोर हैं, वो कोई दलित पिछड़े हैं, कोई आदिवासी है, जमीन के लिए लड़ता लड़ता मर जा रहा है, कोई घर के लिए मर जा रहा है, वो उसकी भावना का कोई कीमत नहीं है। आप ताकतवर हैं तो आपकी भावनाओं की कीमत होती है, और आपको लगता है कि मेरी भावना सबकी भावना है, इसलिए मैं उस भावना को तो मानता ही नहीं। मैं अपने सांस्कृतिक इतिहास में ही एक विरासत पाया हुआ हूँ। चलो फूले, अम्बेडकर, पेरियार और बाकी लोगों की बात छोड़ दो, चार्वाक कौन थे, लोकायत कौन थे, सांख्य और वैशेषिक दर्शन किसका है, और उन्हीं में से कई परंपरा के लोग कहते हैं कि हम तो अनात्मवादी दर्शन के हैं, हम तो आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते। बुद्ध कौन थे, इसीलिए मैं कोट करता हूँ भाई। देखिए माहौल खराब है, अभी
कौन जेल में है, देखिए जिसे जो चाकू तेज करवाएगा वो जेल में नहीं है, जो भगवा संविधान लहराएगा वो जेल में नहीं है, जो मारने काटने की बात करेगा वो जेल में नहीं होगा। अगर वो कहेगा इंकलाबी सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल तो वो जेल में होगा। अगर वो भीमा कोरेगांव के लिए कोई कार्यक्रम करेगा तो वो जेल में होगा। कोई अगर पढ़ेगा लिखेगा बोलेगा तो वो जेल में होगा। कल को आप जेल में हो सकते हैं, मैं जेल में हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम शायद सच की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदी में कवि हैं राजेश जोशी, उनकी कविता की लाइन है, मारे जाएंगे जो इस पागलपन की भीड़ में शामिल नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। कैसे उन्हें कबूल हो कि आपकी कमीज उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद है? जो सफेदी के चक्कर में पड़ेंगे वो मारे जाएंगे। मुझे लगता है कि हम एक भीड़ तंत्र में जा रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार कोट करके बोलता हूँ, सुरक्षित रहना भी बड़ा जरूरी है। भाई उमर खालिद इतने साल से जेल में है, आप कल्पना करिए उनके घरों पर क्या बीत रही होगी। प्रोफेसर हनी बाबू जेल में, बाद में कोई रिपोर्ट आ रही कर रही है कि बाहर से उनके सॉफ्टवेयर में आपने डाल दिया। तो मैं कल को सोच रहा हूँ, इसलिए मैं कोट करता हूँ, इसलिए मैं बुद्ध को कोट करता हूँ, फूले को छोड़ा जा रहा ना, आप तो देखिए। मैं तो कह रहा हूँ कोट करूंगा, बाकी इस देश में फिर तय हो ना, फिर तो कोई नहीं भी बोले जाएगा मारा जाएगा। चेकवेरा का एक बहुत प्रसिद्ध सा कोट है कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी जिन्होंने इसलिए नहीं कभी हक की बात सच की बात बोली कि कहीं मार न दिए जाएं, उनकी भी कब्रें कब्रिस्तान में हैं। तो भाई कम से कम हम खुद से नज़र मिला सकें। एक दौर में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह लिखा जाएगा कि जब हक हुकूक की बात करने पर जेल हो रही थी, लोग खामोश किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, तब कम से कम हम अपने लिए बोल रहे थे। इसके लिए हम बोल रहे हैं, इसके लिए हम बार बार कबीर फूले पेरियार को याद कर रहे हैं। भले ही आप उनको भी न माने, कम से कम मुझे कोई अगर पकड़ेगा तो मैं कहूँगा ना कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर तो माला इस देश के प्रधानमंत्री भी पहनाते हैं। 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को तो फूले पेरियार अम्बेडकर को याद करते हैं, फूले को याद करते हैं, पेरियार को याद करते हैं। मैं उन्हीं का लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। इसलिए थोड़ी एक सुविधा है कि मैं एक वैचारिक परंपरा का हूँ जिसकी आज़ादी मुझे भारत का संविधान देता है। मैं किसी दूसरे के हक को छीनने की बात ही नहीं करता। हम तो मोहब्बत और प्यार की बात करते हैं। कबीर कह रहे हैं, अमन इश्क मस्ताना अमन को बेकरारी का, रहे आज़ाद या जग में अमन को। हम किसी का हक छीन करके कोई बात ही नहीं करते। और ये सारे लोग कौन लोग हैं ये हक छीन करके? अरे भाई अभी सुप्रीम कोर्ट के जजों की लिस्ट आ रही है, कंटेम्प्ररी देख लीजिए। 2018 से 2022 तक में 80% जज बने हैं वो संवर्ण तबके से हैं। उसके बाद आप विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर को देख लीजिए, 80 से 90% लोग जो है एक ही तबके के आ रहे हैं। फिर ये भारत किसका है? क्या मैं ये सवाल भी ना पूछूं? क्या मैं ये ना पूछूं कि जहां सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं, रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, सारे प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, क्या ये सवाल पर पूछने पर भी आप जेल में डालेंगे? चलो छोड़ो देवी देवता की बात। एक तो मंदिर और मंदिर की लड़ाई को वो बार बार चाहते हैं कि इसे हम बटके रहें, हम उसका एक वैचारिक स्टैंड रखते हैं। लेकिन मैं कम से कम आज का सवाल पूछ रहा हूं भाई, इस देश की सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं ये मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए? नौकरी खत्म हो गई ये मेरी चिंता नहीं होनी चाहिए? 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 5 किलो अनाज और 500 रुपये भी जी रहे हैं, क्या मेरी चिंता, मेरे भारत की चिंता ये नहीं है? इस पर भी आप जेल में डालोगे? पर चिंता तो भगवे को लेकर हो रही है ना देश में। देखिए उनकी चिंता हमेशा ऐसे मुद्दों की रही है, वो बार बार ध्यान भटकाने के लिए। हमारे गांव में एक कहावत चलती थी, मैं बार बार वो कहता था, भैंस चुराने वाले रात के अंधेरे में आते थे और घंटी निकाल लेते थे, तो घंटी लेके एक चोर उत्तर भागता था, बाकी भैंस लेकर बाकी चोर दक्षिण भागते थे, और अंधेरे में भैंस पकड़ने कहाँ जाएंगे जैसे घंटी की आवाज़ आ रही, और अंत में वो फेंक कर घंटी भाग गए, आपको मिली घंटी, भैंस चोर चोरी करके ले गए। लेकिन यहाँ खतरा क्या है, वो घंटी भी नफरत की बांध रहे हैं भाई। अगर आप नहीं भी बोलेंगे तो इतना हर तरफ इतना उग्रता, इतना वैमनस्य, इतना नफरत, लड़ते रहो आपस में, लड़ते रहो, मेरा इसने छीन लिया, मेरा इसने छीन लिया, मेरा उसने। वो बंदर एक था और दो बिल्लियां थीं, दोनों को रोटी मिली तो दोनों आपस में लड़ने लगी कि इसकी ज़्यादा कि इसकी। बंदर आया, कहा कि रुको मैं न्याय करूंगा, तराजू लेके आया और दोनों की रोटी तराजू पर रखता था, लाओ बराबर का। जब देखा कि एक तरफ भारी है तो उसमें से तोड़ कर खा लिया, तो दूसरी वाली भारी हो गई उसको तोड़ के खा लिया, कहा बराबर बांटूंगा रोटी, और दोनों तरफ की रोटी खाते खाते अंत में सारी रोटी खा गया। कहा देखो मैंने न्याय कर दिया, तुम्हें भी कोई रोटी नहीं मिली और उसे भी कोई रोटी नहीं मिली। मैं इसलिए चाहता हूं कि इस देश में हक हुकूक की बात हो, ये भगवा की बात और ये सब तो फिलहाल मुझे लगता है कि हो सकता है 20-25 साल बाद लोग याद करें कि यार हमारे देश में रंग की भी धर्म होते थे, फूलों की भी जाति हो गई थी, पानी का भी जाति पूछे थे लोग, मूंछ रखने की भी जाति, बड़ा अफसोस करेंगे। पर इसको बहुल्य आबादी की भावना से जोड़कर दिखाया जाता है, ये नहीं दिखाया जाता कि चंद लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। वो ताकत में है, इसलिए जो ताकत में होता है वो कहता है कि मेरा ही विचार सबका विचार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप का मुहावरा हो गया। उनके पास मीडिया है, उनके पास पैसा है, उनके पास संगठन है, उनके पास सत्ता है, और उनके पास एक उत्तेजना वाला
लोगों को नफरत कराने वाला विचार है। तो ये विचार बहुत तेजी से लोगों के बीच फैलाया जा रहा है और इस विचार को चूंकि सत्ता के जरिए घर घर पहुंचाया जा रहा है, इसलिए खास किस्म की बहुत उत्तेजक भीड़ तैयार कर दी गई है। मेरा मानना यह है कि अभी भी इस देश में 80% आवाम नफरत पसंद नहीं है, लेकिन वो खामोश होती है, और जब आप खामोश होंगे तो जो ताकतवर है उसी के पक्ष में गिने जाएंगे। जो 10-15% लोग सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव, भारत के संविधान को मानने वाले हैं, वो थोड़े से लोग बोल रहे हैं। भीड़ तो देखिए, भीड़ जिसके पक्ष में काम कर रही हो वही भीड़ तैयार करेगा। इस उत्तेजना का फायदा जिसे मिल रहा है वो उस उत्तेजना को भड़काएगा। पूरे देश, जैसे मान लीजिए आग लगाई जाए कहीं, तो आग से जिसका घर जलेगा अंततः वो आप गौर करेंगे, कैमरा ले जाएंगे तो वो अपना घर बुझाने में लगा हो। जो आग लगा रहा है उसको पहचानिए, क्योंकि उसको आग से फायदा हो रहा है। एक आदमी रोटी बेलता है। सर, ये तार्किक जो अभी आप बात रख रहे हैं, ये तर्क कहाँ गायब हो जाते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ज्यादा हावी हो गया है आखिर? कहीं तो फिर लोगों में विचार ये जाए ना कि जिस तरफ देश बढ़ रहा है वो गलत है, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं वो गलत है, कैसे सुधार आएगा? बिल्कुल, चिंता आपकी वाजिब, पर मेरी भी कभी कभी चिंता होती है कि मान लीजिए मैं बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ूं, मैं कबीर को कोट करूं, मैं रैदास को करूं, तमाम लोगों को पढ़ूं, भगत सिंह को पढ़ूं, और फिर मैं देखूं कि मेरे सामने, मेरे समाज में तो उसका असर दिख नहीं रहा, वो बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ा है, वो खुश है, चूड़ी टाइट है। हाँ, पता नहीं मतलब वो किस किस चीज में खुश है। मुसलमान मारा जा रहा है तो हिंदू बन के खुश है, अगर आरक्षण खत्म हो रहा है तो सवर्ण बन के खुश है, अगर महिलाओं पर कोई पाबंदी लग रही है, महिलाओं को हक हुकूक नहीं मिल रहा तो पुरुष बन के खुश है, अगर गरीब मारा जा रहा है तो अमीर बन के खुश है। उन सबको अलग अलग पहचान में खुश किया जा रहा है। इसलिए मेरी चिंता तो होती है कि मेरी आवाज़ कहीं गुम तो नहीं हो जाती है, गांव तक जाती है कि नहीं, लोग इससे प्रभावित होते हैं कि नहीं, मेरी चिंता है और ये होनी भी चाहिए, पता नहीं। लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं होता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ ना कि जो लोग नफरत करा रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा तंत्र है, और एक खास किस्म से नफरत के लिए इस देश को बहुत बहुत पहले से तैयार किया गया है। धर्म के नाम पर मुसलमान विरोधी होना, जाति के नाम पर दलित पिछड़ा आदिवासी विरोधी होना, शहर के नाम पर गांव विरोधी होना, पढ़े लिखे होने के नाम पर अनपढ़ होने का विरोधी होना, अंग्रेजी वाला बोल रहे हैं अगर आपको आ रहा है तो वो डर्टी पीपल्स जो होते हैं उनका विरोधी होना, ऐसे तो एक भीड़ तैयार की गई। अब जो लोग सत्ता में है ना वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो धर्म के नाम पर एक धर्म के खिलाफ दिखा करके दो काम कर रहे हैं, अपने लोगों को खुश कर रहे हैं और गोलबंद कर रहे हैं। मेरा काम क्या है, मैं इस तरह की हर नफरत के दौर में खड़े होकर के बोलूं और ये बोलूं कि धर्म के नाम पर ये जो आग लग रही है सब मारे जाएंगे। अरे जोशी मठ में जब पहाड़ टूट रहा है तो वो धर्म देख करके नहीं गिरेगा भाई। जब पेट्रोल 100 रुपया लीटर होगा, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर होगा, गैस सिलेंडर 1200 होगा, तो धर्म देखकर नहीं होगा। आप बार बार नफरत की बात करेंगे, मैं बार बार मोहब्बत की बात करूंगा। और एक बात और बताएं आदिल भाई, जो कबीर जब थे ना तो कबीर के समय में भी भीड़ कबीर के पीछे नहीं थी, कबीर अकेले थे। कबीर अखाड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रो आप ना चले हमारे साथ, कबीर के साथ कोई नहीं गया। उस समय के हुक्मरानों के साथ थे, राजा महाराजाओं के साथ थे, मिट गया इतिहास। उस समय राजा कौन था ये हमें पता भी नहीं, कबीर याद है। हम हो सकता है इस आग को बुझाने में टाइम लग जाए। ये जो धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, जाति के नाम पर ये जो आग लगाई गई है इसमें टाइम लग जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन ये आग बुझेगी। अफसोस मुझे केवल इस बात का है कि जब तक आग बुझेगी तब तक पता नहीं क्या क्या जला ले जाएगी। मुझे डर है कि मेरे अपने लोग उसमें जल रहे होंगे, किसी के घर जल रहे होंगे, किसी का करियर जल रहा होगा, किसी की मोहब्बत जल रही होगी। लेकिन बुझेगी तो आग जरूर, बस ये है कि कब बुझेगी इसको देखना होगा। हमारे आंखों के सामने बुझेगी या आने वाली पीढ़ियां अफसोस करेंगी कि तुम आग सौंप कर हमें गए, तब तक का इंतजार करना होगा। मगर मैं अपने को आग बुझाने वाले लोगों की सूची में इतिहास में दर्ज कराना चाहता हूं। सर, एक आखिरी सवाल लास्ट में, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ का एक फैसला आया निकाय चुनाव में लेकर, जो ओबीसी का आरक्षण को लेकर, उस पर क्या कहना है? देखिए ओबीसी ये राम राज्य है, ये बहुत अच्छा राम राज्य है। तमाम ओबीसी की जातियों को, तमाम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातियों को, गांव गांव इस समय पूरे देश में, आप गांव में जाइए, आप लोग का चैनल लोग देखते हैं, ये बात गांव तक पहुंचेगी और गांव के लोग जरा एक बार देखें। जैसे मैं अपने गांव का बार बार उदाहरण देता हूं, 15 साल पहले 15 सरकारी नौकरी वाले थे और कांवड़ वांवड़ ढोने कोई नहीं जाता था, कथा भागवत कहीं कहीं होता था, कहीं कहीं कोई अखंड रामायण पाठ करा लिया, कोई कुछ करा लिया। 15 साल बाद आज मैं अपने गांव को देखता हूं, 15 लोग कांवड़ ढोने जा रहे हैं, 15 घरों में कथा भागवत हो रही है और सरकारी नौकरी वाला जीरो हो गया।
ये 15-20 साल का मेरे गांव का इतिहास है। मेरे गांव और गांव कस्बों में दूर कहीं लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं उनसे भी एक बात कहता हूं, आपके गांव में कथा भागवत बढ़ गई होगी, आपके गांव में धर्म की कथाएं हो रही होंगी, कोई जागरण कराने आएगा, कोई हिंदू राष्ट्र बनवाने आएगा, सब कुछ कराने आएगा और तमाम जातियों के लोगों को भटका ले जाएगा। अरे तुमको क्या है, तुम यहाँ का जख्म दुख भूल जाओ, आओ तुम्हें परलोक में ले जाते हैं, उस परलोक में ले जाएगा और इस लोक के भुला देगा। और उन लोगों को मैं कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों की नौकरी को याद करो और अचानक देखो कि राम राज्य वाले आपके लिए छोड़ के आ रहे हैं, यही आरक्षण खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गई, महंगाई इतनी बढ़ गई कि आपके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, आपका हक छीन करके आप ही का वोट लेकर के आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। मैं उन्हीं से गुजारिश करूं, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है इस पे। ये जो ओबीसी आरक्षण जिनको नहीं मिल रहा था, जिनको ये समझाया गया कि ओबीसी का हक कुछ लोगों ने खा लिया, आओ तुम हिंदू बन जाओ, हम तुमको अखंड भारत देंगे, लो तुम्हें ये अखंड भारत में रामराज्य में ये मिल रहा है, तुम्हारा आरक्षण केवल उस निकाय चुनाव में नहीं खत्म हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, उसके बाद कोई भी अभी एक भर्ती हुई है जिसमें 2 दर्जन लोग हुए हैं, जिसमें से 2.25 दर्जन केवल सवर्ण भर्ती हुए हैं, चाहे प्रोफेसर की नियुक्ति हो, चाहे समूह ग सबकी नौकरी में आरक्षण खत्म है। तो राम राज्य में शंभू कर क्लब अपनी जगह न भूलें, उन्हें उन किरदारों को वही जगह मिलेगी कि यज्ञ में होम आपको होना है और मलाई वही खाएंगे। इसलिए जरा हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो लोग इंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। धर्म न कोई पार्टी से बचता है, न कोई नेता से बचता है, ये नेता नहीं थे तब भी इनका धर्म था और ये नेता नहीं होंगे तब भी इनका धर्म रहेगा, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य इन नेताओं ने जो बर्बाद कर दिया, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कथा भागवत तो कर लिए, धर्म के नाम पर अखंड भारत बनवा लिए, हमारी शिक्षा हमारा रोजगार कहाँ गया, केवल मेरी चिंता यही। आजकल हिंदू को मुसलमान बनाया जा रहा है, जिहादी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे अमीश राज, दिल्ली की घटना। अच्छा हाँ, ये अभी एक घटना मैंने देखी भाई, कुछ दिन चला कि वो मुसलमान है, अनीस मोहम्मद या क्या, और लगे सब हिंदू राष्ट्र वाले जिहादी ट्वीट। अरे वो चैनल भी वो अजीब है भाई, तलवार लेकर के एंकरिंग करता है, मैं क्या ही उस पर टिप्पणी करूं, मुझे अफसोस होता है इस सब बातों पर टिप्पणी करने के लिए, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर आपके सामने ये सब होगा, आप मान लीजिए कोई गला काट रहा होगा तो बोलना तो पड़ेगा भाई कि भाई मत काटो, मेरी भूमिका तो ये होगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये चारों तरफ नफरत फैलाई जा रही है, आप बलात्कारियों की भी जाति और धर्म देखी जा रही है, हाथरस पे ये नहीं बोलेंगे, ये उन्नाव पे नहीं बोलेंगे, चिन्मयानंद पे नहीं बोलेंगे और इस पे बोलेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ यार, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो ब्राह्मण हो या कोई दलित हो, अरे न्याय का पक्ष लो ना, संविधान का पक्ष लो ना। अब मालिक बदल गया तो गुलामों का क्या कहना, आप चलिए उन पर क्या ही टिप्पणी करें, कोई चैनल कोई संस्थान का बात ही नहीं है, यहाँ तो पूरा मानवता खतरे में है, उसको बचाएं तभी कुछ बचे। बड़े लोगों का ही होता है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो भी सभ्यता में मलाई होती है वो वही खाते हैं और बाकी लोगों को केवल उनके उनके हिस्से जो खरपतवार है वही आता है। विकास के नाम पर जो हुआ आदिवासियों वाले में देख लीजिए, विकास के नाम पर फायदा जिसका होगा, नुकसान उसका नहीं लिया जाएगा। तो यज्ञ में होम कोई और होगा, मोक्ष किसी और को मिलेगा। शुक्रिया।